और वो जनाब एक छोटी सी बच्ची आई, मुंह में उसने चूसनी रखी और आके के अंकल 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 मैं 18 साल की हूँ, तो आप कहेंगे चलो जी इसका निकाह कर दो, ये 18 साल की है क्योंकि कह रही है। डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास कोई मौजूद नहीं था, इसी वजह से तुम्हारे लिए वारंट गिरफ्तारी जो है ना वो जारी किए गए हैं कि तुमने किस बेस पर ये निकाह किया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कैस अली मीर और आप देख रहे हैं अल्लाहू टीवी। उम्मीद करता हूँ दुनिया के जिस कोने में होंगे अल्लाह की हिफाजत में होंगे इंशाल्लाह। ये एक पुराना इंटरव्यू निकाला है मैंने राय खुरम का, जो सग मफरूर हैं और जिनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी किए हुए हैं अदालत ने, और अभी तक उनका कुछ अता पता नहीं है, जो 6 मुलजमान हैं। इन्होंने इंटरव्यू देते हुए एक मोहतरमा को ये कहा है कि हमारे पास तो कोई डॉक्यूमेंट मौजूद ही नहीं था, तो हम कहाँ से वो डॉक्यूमेंट देखते। पहली बात इन्होंने इस इंटरव्यू में की। उसके बाद जब इनका दूसरा इंटरव्यू आया उसमें इन्होंने कहा जी हमने वैक्सीनेशन का जो कार्ड था सर्टिफिकेट था उसको देखकर जो है हमने निकाह किया। पहला झूठ इनका यहाँ पे पकड़ा गया। नहीं, उस वक्त तो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं था, मैं किस तरह उनको वो डॉक्यूमेंट देखता। और जो अब वो कर रहे हैं मेरे ख्याल में उनको पहले कर लेना चाहिए था, अपनी बच्ची की अच्छी परवरिश कर लेनी चाहिए थी। हाँ जी, तो ये आपने बातें सुनी। अब इन्होंने कितना अच्छा मशवरा दिया कि ये दुनिया में वाहिद इंसान बचे हैं जो वालदैन को बता रहे हैं कि अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करें। आप उससे पहले वालदैन को नहीं पता था, मतलब मेहदी अली काज़मी को नहीं पता था कि बच्चों की परवरिश कैसे की जाती है, उनसे दोस्ताना माहौल कैसे रखा जाता है। और जितनी वीडियो वायरल हुई उस बच्ची की, आप सबने देखा कि मेरे ख्याल से लाखों से क्या करोड़ों से भी अच्छे तरीके से उस बच्ची को रखा गया। उसका लिबास आपने देखा, उसके चेहरे पे मुस्कुराहटें देखी और बाप की मोहब्बत आपने अपनी बच्ची के साथ, खैर अब पूरी दुनिया देख रही है। और एक ऐसा बाप जो अगर खुदा न खास्ता अपनी बेटी से नफरत करता होगा तो वो इस हद तक जा सकता था? ऐसा बाप तो शुक्र अदा करता कि चलो जी जान छुटी बच्ची से हमारी। ऐसा बाप जो नफरत करता हो, जो गुस्सा करता हो, वो कभी भी इस तरह अपनी औलाद के लिए सड़कों पे नहीं निकलता। तो ये इसको जवाब है, ये जो बैठा हुआ दुनिया को सबक सिखा रहा है कि वालदैन को अपने बच्चों के साथ कैसे रहना चाहिए। अच्छा जी, अब आप जरा सुने, ये कह रहा है जी मेरे वॉकिंग क्लाइंट थे। ये मेरे पास 17 अप्रैल को केस आया था, ये वॉकिंग क्लाइंट थे मेरे, दुआ और जहीर दोनों इकट्ठे आए थे। मैंने मैटर को इंक्वायर किया, फिर उनके पेरेंट्स को, जहीर के पेरेंट्स को बुलवाया, क्योंकि दुआ के पेरेंट्स उसके पास ना तो वो सेल नंबर बता रही थी, ना ही उसका उनका कोई कॉन्टैक्ट था, ना ही वो आ सकते थे, क्योंकि इतने लंबे सफ़र से जो लड़की अपने घर को अपने वालदैन को छोड़कर यहाँ पे आ गई है, उसके पेरेंट्स ने तो पीछे नहीं आना था। और फिर जहीर के पेरेंट्स को बुलवाया और ये मामला सारा फिर हुआ। तमाम मामलात के लिए आए थे, निकाह के लिए भी आए थे, प्रोटेक्शन के लिए भी आए थे, और आगे फर्दर भी जो उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी वो सारे मामलात मैंने किए, क्योंकि बीइंग एज ए प्रोफेशनल मैंने अपनी तमाम प्रोफेशनल ड्यूटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड की हैं। उसकी उम्र 14 साल है ही नहीं, वो हर जगह पे मेरे सामने भी, मजिस्ट्रेट साहब के सामने भी, सेशन जज साहब की कोर्ट में भी उसने अपनी उम्र 18 साल ही बताई है। और उसकी उम्र 18 साल ही होगी, क्योंकि जो बच्ची अपने मुंह से हर जगह पे 18 साल 18 साल कह रही है तो उसकी एज 18 साल है। अगर इस मैटर को किसी और तरफ ले जाएं कि वो 14 साल की है, नाबालग है, तो इसके बाबत एक बिल्कुल क्लियर हमारे पास मौजूद है, हाई कोर्ट की जजमेंट आ चुकी हुई है, उसमें कह दिया गया कि अगर लड़की की उम्र 16 साल नहीं भी है और कम है, लेकिन उसने अपनी एज ऑफ प्यूबर्टी हासिल कर ली है, बलूगत हासिल कर ली है, तो वो निकाह कर सकती है, जायज़ है। अच्छा, ये अब आपने सुना, ये वॉकिंग क्लाइंट थे, लेकिन शबीर साहब कह रहे हैं कि गवाह ने जब बयान दिया तो गवाह ने कहा है कि शबीर ने मुझे कहा मेरा एक पुराना दोस्त है राय खुरम जिसके ऑफिस में जाना है तो मेरे साथ चलो। ठीक है, ये गवाह ने जो बयान दिया है उसके अंदर उसने ये बात की है। दूसरी बात इनकी ये झूठ साबित हो गई, ये वॉकिंग क्लाइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, वॉकिंग क्लाइंट थे मेरे पास। नहीं, हमारे कानून में, कानून शहादत ऑर्डर में मौजूद है कि जब किसी बच्चे से या किसी बड़े से कोई क्वेश्चन करते हैं और वो रैशनल आंसर देता है तो वो उसको समझा जाएगा कि ये समझदार है, आकिल है, ये बात को समझ के बयान कर रहा है। जज साहब ने अपनी मुकम्मल तसल्ली की है, इसी तरह उससे तमाम क्वेश्चन पूछे हैं, हर बात का उसने रैशनल आंसर दिया।
बल्कि करेक्शन करवाती रही है अपने स्पेलिंग के नाम में और भी जितनी बात कि जी इस तरह नहीं है स्पेल, ये इस तरह है, ये इस तरह है, हर चीज़ उसने बताई है कोर्ट में। अच्छा जी, ये साहब कह रहे हैं कि उसने जज साहब के सामने भी मेरे सामने भी बताया कि उसकी उम्र 18 साल है, फिर इन्होंने कहा कि जहरी सी बात है उसकी उम्र 18 साल होगी। ओ खुदा के बंदो, आपसे ये सवाल है, आपको आके कोई भी बच्ची जिस मर्जी उम्र की आके बोल देगी कि वो 18 साल की है तो आप मान लेंगे? और एक इतना बड़ा स्टेप निकाह शादी, जिसके लिए लोग ख्वाब सजाते हैं, जिसके लिए जिंदगी अपनी तबाह कर देते हैं, मेहनतें करते हैं, पैसा जमा करते हैं, क्या कुछ करते हैं एक ड्रीम लाइफ गुजारने के लिए, और वो जनाब एक छोटी सी बच्ची आए मुंह में उसने चूसनी रखी और आके के अंकल 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 मैं 18 साल की हूँ, तो आप कहेंगे चलो जी इसका निकाह कर दो, ये 18 साल की है क्योंकि कह रही है। डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास कोई मौजूद नहीं था, इसी वजह से तुम्हारे लिए वारंट गिरफ्तारी जो है ना वो जारी किए गए हैं कि तुमने किस बेस पर यह निकाह किया है। लिहाजा पेरेंट्स को, बल्कि मेहदी साहब जो हैं ये तो खुद ऑनलाइन काम करते हैं, इनको तो सबसे मुझसे तो बहुत ज़्यादा ही पता होगा, तो वाले वो ऑनलाइन काम करते हैं, वो बाहर किसी के साथ काम नहीं करते, कोई जॉब नहीं करते, घर में ही बैठे रहते हैं। इसी तरह बच्चों को भी उन्होंने महबूस करके रखा हुआ था, जो बच्ची जिसको तवज्जो की ज़रूरत थी, उसकी परवरिश का टाइम था, उसकी माँ की माँ की उसको ज़रूरत थी। अच्छा जी, अब ये भाई साहब माशे कहते हैं कि इसके पीछे जो है वालदैन की लापरवाही है, बच्चों को जो टाइम नहीं दे पा रहे। फिर एक जगह इन्होंने कहा जी, एक इंटरव्यू इनका जो है पहले आया, इससे पहले आया, उन्होंने कहा जी वो तो काम ही कोई नहीं करते थे, वो तो काम ही कोई नहीं करते थे मेहदी अली काजमी, और इस इंटरव्यू में ये बंदा कह रहा है वो तो जी ऑनलाइन काम करते थे और घर में रहते थे वो हर वक्त। तो भाई आप जो ये सवालात उठा रहे हैं ये उस बाप के लिए उठाएं जो सारा दिन बाहर रहता है, रात को थका हारा आता है, उसके पास इतना वक्त नहीं होता कि अपनी बीवी बच्चों को टाइम दे सके, उसके बाद कमरे में जाके सो जाता है और फिर उसको नहीं पता होता उसके बच्चे जो हैं वो मोबाइल पे क्या कर रहे हैं। दो कमरे का घर जिसमें ये लोग रह रहे हैं और उसके अंदर आप खुद अंदाज़ा लगा लें, एक समझदार आदमी सोचे कि जो इंसान एक घर के अंदर रह के काम कर रहा होता है वो किस तरह अपने बीवी बच्चों के साथ फ्रेंडली होता है और किस तरह वो रहता है और पूरी दुनिया देख रही है। जी घर में उसको फोर्स किया जाता था, उसकी शादी उसके वालिद साहब ने अपने बड़े भाई के बेटे जैनुल आबेदीन के साथ इस ईद पे तय पा गई थी कि इनका निकाह कर दिया जाएगा। अच्छा जी, भाई साहब आप ये फरमा रहे हैं वही जैन वाला किस्सा एक इनको मिला हुआ है और सबसे पहले बच्ची से यही सवाल किया होगा कि भाई तुम्हारा करीब तरीन जो है वो कौन है रिश्तेदार तुम्हारी जो है ज़रा उम्र के करीब शरीब हो, तो उन्होंने नाम दे, बच्ची ने नाम ले दिया होगा, मासूम है बच्ची, उसने बता दिया होगा जी जैन नाम है उसका, अभी उसके पीछे पड़ गए। जिसकी गवाही उन्होंने मेहदी भाई ने कुरान उठा के दे दी कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है। असल में बात पता क्या, इनके पास पहुँचते भी वो लोग हैं जो माशाल्लाह सवाल भी इन जैसे ही करते हैं, और भाई इनसे सवाल पूछें CDR पे बात करें उस पर कोई बात नहीं करता, टैक्सी ड्राइवर पे जो कहते हैं ये बच्ची वहाँ पहुँची कैसे उसके ऊपर कोई बात नहीं करता, सिम के ऊपर बात करें भाई 8 सिमें लेके क्या करते रहते थे उस पर कोई बात नहीं करता, इनसे ये पूछें अगर इसकी वालदा रिश्ता लेने गई थी, हवा मेरा रिश्ता लेने गई थी, अगर मेहदी भाई का नंबर नहीं था, उनके घर का एड्रेस नहीं था, इन्होंने कहा जी हम रिश्ता लेने गए थे तो उन्होंने इनकार कर दिया, बच्ची ने इनकार कर दिया कि आप वापस चले जाएं और जनाब वो मेरे वालदैन नहीं मानेंगे, तुम कहाँ जा रहे थे? और भाई तुम कहाँ जा रहे थे, ना तुम्हारे पास एड्रेस, ना तुम्हारे पास मोबाइल नंबर, इनसे पूछने वाले सवाल कोई पूछता ही नहीं है, मतलब कितना आप लोगों को क्या बेवकूफ़ समझते हैं, आप लोगों को क्या समझते हैं। मसला ये है कि राय खुर्रम साहब आपकी भी जान नहीं छुटनी इस केस से, ठीक है, क्योंकि पहला स्टेप अगर आप होते आप कहते भाई पीछे हटो, ना बाप है ना माँ है ना कोई चाचा ना चाची, कोई ताया कोई इस बच्ची के साथ मौजूद नहीं है, ना कोई डॉक्यूमेंट है, मैं किस तरह इतना बड़ा स्टेप उठा दूं और मैं इनका निकाह कर दूं, ये सरासर आपकी गलती थी। ठीक है नाज़रीन, ये एक रखा हुआ था इंटरव्यू, मैंने कहा कभी वक्त मिला तो इसके ऊपर मैं बात करूँगा इंशाल्लाह, और इनके जो पुराने इंटरव्यूज़ हैं दूसरे लोगों के भी, जो इनके भाई हैं शबीर साहब उनके भी इंटरव्यू हैं, इंशाल्लाह उसका भी पोस्टमार्टम करेंगे और उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।